रुद्रपुर से सीमेंट लेकर आ रहा ट्रक रानीबाग की ओर जा रहा था, जो अचानक गुलाब घाटी के पास खराब हो गया, जिस कारण लंबा जाम लग गया। 2 घंटे तक जाम लगने से कई पर्यटकों के वाहन भी उसमें फंस गए। देरी से जानकारी मिलने के बाद जाम खुलवाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने बमुश्किल जाम को खुलवाया। जाम में सीआरपीएफ सेना की 5 बसें भी फंसी हुई थीं। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने 19 टन सीमेंट लदे हुए ट्रक को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया, जिसके बाद जाम खुल सका। एसपी ट्रैफिक देवेंद पीचा ने बताया कि गुलाब घाटी के पास सड़क छोटी होने के कारण अक्सर जाम लग जाता है। आज वह ट्रक खराब हो गया था, जिसे हटवाकर जाम खुलवा दिया गया है। गुलाब घाटी का जो एरिया है, जो हमारा काठगोदाम से लेकर नैनीताल को जोड़ता है, वो एक बहुत ही जो गुलाब घाटी है, काफ़ी पतला और चिकन नेक टाइप का कह सकते हैं, सिंगल रोड का सा है। वहाँ पर एक बड़ा ट्रक आज खराब हो गया था, जिस वजह से एक जाम लग गया था। तो पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए एक क्रेन मंगवाई है, क्रेन के सहायता से उस ट्रक को अभी हटवा दिया गया है। फिलहाल ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है।